अच्छा वहां पे आप मौजूद हैं, लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं, जितनी बड़ी रूपरेखा है इस एक्सप्रेसवे की, इसे लेकर लोगों को भी उत्सुकता होगी, जानकारी होगी, क्या बातचीत कर रहे हैं वो? साथियों ने कहा था मैं कोशिश करूंगा कुछ लोगों से बातचीत करने की, हम चलते हैं लोगों के बीच में बात करने की कोशिश करेंगे। लोग उत्साहित हैं, उत्साहित जाहिर तौर पे इसलिए हैं क्योंकि शाहजहांपुर जो जिला है, इस जिले में से होकर के एक्सप्रेसवे गुजरेगा और विकास के लिहाज से थोड़ा पिछड़ा हुआ सा जिला था, ऐसे में एक्सप्रेसवे बड़ी सौगात होगी। यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, लोगों से बात करते हैं। आप लोग बताइए, आप लोग उत्साहित? जी सर, बताइए सर, कितने उत्साहित हैं आज इस कार्यक्रम में? मतलब मोदी जी आए हैं, बहुत उत्साहित सर, बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। मोदी जी आए हैं, सरकार हमारी बढ़िया चल रही है और यही सरकार चलना चाहिए हमारे हिसाब से, तो बहुत अच्छे गरीब लोगों की सरकार। आप लोग बताइए, ये इतना बड़ा एक्सप्रेस भी यहाँ से गुजर रहा है, आप लोग खुश हैं? और बहुत जी, बहुत बीजेपी कार्यकर्ता है। जी जी जी, हम लोग बहुत उत्साहित हैं, घर परिवार में बच्चे की बहुत खुशी, क्यों हम लोग के बच्चे बाहर पढ़ते हैं। इसी जिले से हैं या बाहर से? जी लोग शाहजहांपुर से? शाहजहांपुर है जी, जी शाहजहांपुर है। ये बताइए, दूर दूर से भी लोग आए होंगे? जी बहुत से आए हैं, भी पूछते हैं। मैम आप में घुस के मारा है, आप लोग कहाँ से आए हैं? आप लोग कहाँ से आए हैं? मैं नगर शाहजहांपुर नगर से आई हूँ, मैं अल्पना श्रीवास्तव हूँ और स्वच्छता प्रभारी हूँ। ये कितनी बड़ी सौगात है शाहजहांपुर के लिए एक्सप्रेस, ये तो त्योहार जैसा है, सौगात तो है ही। गंगा एक्सप्रेस वे हमारे लिए सौगात है कि विश्व पटल पे शाहजहांपुर का नाम आ गया है और आज तो मोदी जी ने त्योहार मनाया। आप बताइए मैम, ये बोल रही है त्योहार जैसा माहौल है आज एक्सप्रेस वे, बहुत बड़ी सौगात है, आपको क्या लगता है आपके जिले का विकास इससे हो? विकास हो रहा है, ये तो बहुत ही प्रसन्नता की बात है और हम लोग ऐसे दिव्य पुरुष को देखने आए हैं जिसने आज बिना कोई लालच के हम लोगों के लिए अपना जीवन डिवोट करा, इसलिए हम लोग दीवाने हैं उनके। और लोगों से बात करेंगे, कि अभी जब इन लोगों से भाषण दे रहे थे तो उन्होंने एक गाना गुनगुनाया और अच्छा। गाने उस गाने के बोल थे कि इस राज्य को लाए हैं अपराध से निकाल के, इस राज्य को रखना मेरे मित्रों संभाल के, ये खुद सुरेश खन्ना यहाँ पे गाना गुनगुना रहे थे। तो ऐसे में इस तरह का माहौल है, लोग उत्साहित हैं और संबोधन का इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जब आएंगे और वो अपने अंदाज में जब लोगों को संबोधित करेंगे, जिसका संदेश सिर्फ शाहजहांपुर नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में दिखाई देगा। बिल्कुल रणवीर, आप जहाँ मौजूद हैं वहाँ लोगों से बातचीत करने पे ये साफ हो रहा है कि वो एक्सप्रेस वे की जानकारी तो लेंगे, हम लगातार बता रहे हैं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा एक्साइटमेंट में है कि वो प्रधानमंत्री को देखेंगे, उनसे मिल पाएंगे। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री का जो ऑरा है 2014 से, उनका आकर्षण लगातार बढ़ता ही जा रहा है और इसी वजह से लोग कार्यक्रम में खास तौर पर आते हैं प्रधानमंत्री को देखने सुनने के लिए। और देखिए किस तरह की भीड़ है यहाँ पर, दूर दराज से भी लोग आए गए हैं, शाहजहांपुर से भी लाए गए हैं। आप लोग कहाँ से आए? आप लोग कटरा से आए? कटरा से आए पाकिस्तान में। खुश है? किसको देखने आए? मोदी जी को? हमको देखने आए मोदी जी को जी। बताइए, चुनाव तो यूपी का है, आकर्षण योगी जी का होना चाहिए और मोदी जी को भी लेके आप लोग बहुत मतलब एक्साइटेड हैं? जी जी जी, मोदी जी ने अच्छे काम किए हैं जी। रणवीर इनसे पूछे कि उनको पता है आजकल एक्सप्रेस से कितना फायदा होगा? बताइए खुश, बताइए ये बताओ एक्सप्रेस वे से आपको कितना फायदा होगा? अभी तो मोदी जी आने ही वाले हैं तो हम लोग उनका भाषण ही सुनने आए हैं और जो भी फायदा हुआ है वो तो सभी को पता है। कौन सा एक्सप्रेस वे? ये एक्सप्रेस वे का नाम नहीं पता? गंगा एक्सप्रेस पता है। बहुत खुश है आपके शहर? बहुत बहुत खुश है, हम भी बहुत खुश। कौन सा एक्सप्रेस? गंगा एक्सप्रेस। इससे बहुत फायदा होगा आपके? जी। अच्छा ये बताइए, महिलाओं को लेके आजकल बड़ी राजनीति हो रही है, क्या मोदी जी को लगता है कि कुछ बोलना चाहिए? शादी की उम्र 21 साल हो गई, आप लोग खुश हैं? जी बिल्कुल जी। कुछ और लोगों से ये भी लोग, आप लोग बताइए कहाँ से हैं? तिलर से आई हूँ। ये बताइए आज क्या करने यहाँ पे, भाषण सुनने आई हैं कि मोदी जी को देखने? मोदी जी को देखने आए, दोनों ही काम करने आए हैं जी। बहुत खुश है। पहले मोदी जी को देखा? जी हाँ, एक बार देखा था रामलीला ग्राउंड में, यही शाहजहांपुर में जी। तो एक बार देख लिया है, फिर दोबारा देखने का मन? जी बिल्कुल बिल्कुल।
हाँ बताइए। मोदी वो हस्ती हैं जिन्हें बार बार देखने को दिल करता है, इसलिए हम आज भी आए। और अब जब ऐसा क्या है, ऐसा क्या दिलचस्प है? वो तो नहीं पता ऐसा क्या है, लेकिन जो है वो खास ही है जी। आप भी मोदी जी को देखने आए? जी हम मोदी जी को नहीं, हम मोदी जी के व्यक्तित्व से इतने प्रभावित हैं कि हम उनको जितनी बार देखें उतना ही कम है। ये मेरा एक सौभाग्य है जो हमारी शाहजहांपुर की धरती पर आ रहे हैं, और हमारा ये देखने का, हमारे जो साथ के लोग हैं इतने उत्सुक हैं कि उस उनकी उत्सुकता को हम छुपा नहीं पा रहे। आप भी मोदी जी को? हाँ, मोदी को ही देंगे। मोदी हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री बने, यही हम चाहते हैं, उनके सुविधा भी मिले। रणवीर दिलचस्प है, 22 की बात ही नहीं हो रही। बहुत बुजुर्ग हैं आप, तो इतने बुजुर्ग हैं, आपको चलने में भी दिक्कत है, फिर इतने भीड़ में क्यों आए? फिर क्या करें भैया, मोदी जी को देख? हाँ देखने भी आए, और मेरी पेंशन भी नहीं मिलती है। हाँ हाँ, मेरे खेती बाड़ी भी नहीं है, कोई बात चीज नहीं है, और मेरा लड़का भी नहीं, मेरा आदमी भी नहीं। अम्मा आप भी कहाँ से? कटरा से। हाँ क्या करने आई? हाँ मोने ने बुलाओ तुम्हें आए। हाँ आए। हाँ मैंने कछू ना मोदी जी को देखे कभी? कहाँ लेते हैं। देखिए रणवीर, ये बहुत दिलचस्प है, इन लोगों से बातचीत करना अपने आप में दिलचस्प है। कमर कस के आए हैं, कोई मोदी जी को जिताया है, कमर कस के से आया है, कमर कस के, कमर कसा कस लिया है। और हमारे गांव नगरीय निजामपुर थाना गड़िया रंगीन, देखिए ठंड हो शीतलहर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बार देख लिए वो बार बार भी देखना चाहते हैं, वो भी हो जाए, मोदी जी को भी देख ले, और कमर में बीजेपी का पट्टा लगा के कह रहे हैं हम कमर कस के आए हैं बीजेपी को जिताने के लिए। तो इस तरह का उत्साह, इस तरह का उमंग उल्लास है यहाँ पर, क्योंकि एक बड़ी सौगात भी है, प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व है, उसको निहारने उसको देखने के लिए लोग यहाँ आए हुए हैं। तो इन महिलाओं से भी पूछते हैं, खासतौर पर आजकल महिलाएं बहुत चर्चा में हैं, आप लोग कहाँ? भैया हम बाल विकास परियोजना से हैं, और जो हम लोगों की मांगे हैं वो आज तक नहीं पूरी करी गई, ये बताइए इस तरह की महंगाई। यहाँ मांग करने आए? मांग भी करने आए, हम लोग का मानदेय है जो हम लोग को 5500 रुपए मिल रहा है, आप इन लोगों से बात महंगाई में हम लोगों का जो 15 लगातार दिखा रहे हैं। तो आज फिलहाल की जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।